हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज का टॉपिक है डिक्शनरी। हे मीनम्मा, मेरी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल का शब्द ही नहीं। अच्छा, कहां से खरीदी ऐसी बकवास डिक्शनरी? सो डिक्शनरी टेक्निकली इज वन काइंड ऑफ इनबिल्ट डेटा टाइप। जैसे हमने अभी तक ये सारे डेटा टाइप्स यहाँ पे देखे, सेट देखा, लिस्ट देखा, टपल देखा, वन मोर दैट इज अ डिक्शनरी, राइट? सो डिक्शनरी में भी थोड़ा अब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। जैसे लिस्ट में कुछ उसकी फंक्शनैलिटीज थी, लिस्ट में कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि इस तरह के एलिमेंट हो सकते हैं, ये ऑर्डर में हो सकते हैं, राइट? सो इसी तरह से डिक्शनरी भी है। सो ग्रेजुअली अब डिक्शनरी में एक कंसेप्ट आपका आएगा, दैट इज़ अ की वैल्यू पेयर, राइट? सो पहले ये देख लेते हैं कि ये जो आपका है दैट इज़ अ इनबिल्ट डेटा टाइप, मतलब पाइथन में ऑलरेडी है ही, ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंटेड है। वी आर जस्ट यूजिंग डायरेक्टली इट्स स्ट्रक्चर, राइट? यहाँ पे हम सीधा उसका स्ट्रक्चर यूज करते हैं, सो दैट विल डायरेक्टली कंसिडर एज ए एलिमेंट एज वेल एज अगर डिक्शनरी है तो यहाँ पे की पेयर वैल्यू जो है वो पूरा स्ट्रक्चर वो समझ लेगा, राइट? सो दैट इज वाई इट्स कॉल्ड द इनबिल्ट डेटा टाइप। अब यहाँ पे जो है जो आपका कंसेप्ट आता है निकल के, दैट इज अ की एंड पेयर वैल्यू। सो यहाँ पे जो भी आपकी कीज वगैरह होगी वो आपकी यूनिक होगी, राइट? और स्पेसिफिकली यहाँ पे हम इस चीज़ को एक्सेस करने के लिए भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। और जैसे मान लो कि आपकी की है, उसके सामने कुछ उसकी वैल्यू होगी, राइट? सो हम ये फर्दर देखेंगे यहाँ पे। सो ये डेटा स्ट्रक्चर जो आपका है, इस तरह का डेटा टाइप जो भी है आपका, सो वो फर्दर आपके यूज़ होता है इन एसोसिएटिव एरेज एज वेल एज द हैश मैप इन द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर जिसको नहीं पता, क्विकली लेट्स से कि जैसे ये आपकी कीज हो गई, राइट? यहाँ पे आपका कुछ ये फर्दर आप जैसे पढ़ते जाएंगे इन इंजीनियरिंग, सो यू विल ग्रेजुअली नो। तो ये मान लो आपका हैश फंक्शन है, मान लो मैं उसको लिख रहा हूँ HF हैश फंक्शन, राइट? और मान लो कि यहाँ पे कुछ आपकी स्टोरेज है या वैल्यूज़ है। सो यहाँ पे की में आपकी, मान लो अगर यहाँ पे कुछ आपकी की है, सो टेक्निकली इस तरह से यहाँ पे आपकी कुछ कीज़ वगैरह होंगी। और यहाँ आपकी हैशिंग फंक्शन है, सो हैशिंग फंक्शन में यहाँ ये चीज़ प्रोसेस करता है, राइट? एंड ग्रेजुअली यू विल हैव वैल्यूज स्टोरेज है जहाँ से आप ये सारी एसोसिएटिविटी अटैच है, राइट? मतलब इस तरह से आपका एसोसिएटिव यहाँ पे अटैच रहता है। मान लो ये आपकी की है, दैट इज लेट्स से अमेरिका, ये आपकी की है चाइना, राइट? जस्ट फॉर एग्जांपल, ये आपका है पेरिस और यहाँ ये आपका हो गया इंडिया, राइट? विच इज अवर कंट्री। सो यहाँ पे ये पूरा बीच में हैश फंक्शंस है, तो हैश फंक्शन अलग अलग काइंड ऑफ हो सकते हैं। यहाँ पे विल नॉट गो इन दैट मच डिटेल। अब यहाँ पे मान लो कि ये इस चीज़ की एसोसिएटिविटी है और ये मैप है, मान लो 01, 02, 03, 04, राइट? जस्ट फॉर एग्जांपल, अब मान लो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है, सो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये एफिल टावर। लेट्स से कि यहाँ पे कुछ है नहीं, ये वैल्यू पे है आपका ताज महल, यहाँ पे कुछ है नहीं, मान लो यहाँ पे आपका है जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, राइट? मतलब ये अभी टॉपिक एक वास्ट हो जाता है, दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गिविंग यू सम क्विक ओवरव्यू एंड एग्जांपल। सो अगर मान लो ये अमेरिका है आपका, सो आपकी की के अकॉर्डिंगली यहाँ पे उसकी एसोसिएटिव वैल्यू जो होगी, जो आपके हैश फंक्शन से ऑपरेट होके आएगी, राइट? सो वो मान लो अगर जैसे इंडिया है, सो इंडिया में यहाँ पे ताजमहल है, राइट? सो की पेयर वैल्यू उसकी हो जाती है यहाँ पे इंडिया, एंड ये आपका हो जाता है यहाँ पे ताजमहल। मान लो यहाँ पे ये है चाइना, सो चाइना में हमारी है जैसे ग्रेट वॉल, राइट? सो यहाँ पे उसके साथ मैप है। मान लो ये आपका पेरिस है, सो पेरिस के साथ आपकी मैप है एफिल टावर।
राइट. सो इस तरह से आपकी की वैल्यूज हैश फंक्शन सारी चीज यहाँ पे ऑपरेट करती है. बट यहाँ ये टॉपिक के बारे में नहीं है, सो वी विल नॉट गो दैट मच डिटेल. राइट. सो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है कि इस तरह से हैश फंक्शन होता है, इस तरह से कीज वगैरह होती है एंड उसकी एसोसिएटिविटी होती है, मतलब एक दूसरे के साथ दे आर एसोसिएट एंड दे ऑपरेट. राइट. सो ये चीज़ में डिक्शनरी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. अब यहाँ पे क्रिएट डिक्शनरी करने के लिए हमें ये ब्रैकेट्स ब्रेसेस चाहिए होंगे, दैट विल बी द कर्ली ब्रेसेस. राइट. यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि अभी तक हमने जो देखा है उसमें ये जैसे ये राउंड ब्रैकेट्स है सो वो किसके लिए है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है वो किसके लिए है. राइट. ये भी हमने कर्ली ब्रेसेस भी यहाँ पे देखा है. राइट. सो यू कैन जस्ट रिवाइज एंड यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि यहाँ ये टपल के लिए है या सेट के लिए है या लिस्ट के लिए है. राइट. जो भी आपके माइंड में है, आई मीन बेस्ड ऑन दैट यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. सो आई जस्ट मेक इट करेक्ट इफ इट्स रॉन्ग. अब यहाँ डिक्शनरी जो है, सो डिक्शनरी में हम किस तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं. तो सिंपल यहाँ पे हम कोई नाम लिख देंगे. लेट्स से इट्स अ बेस्ट एग्जांपल कि स्टूडेंट मैंने ले लिया इक्वल टू यहाँ पे हमारी हो गई ओपनिंग ब्रैकेट एंड ये हो गई क्लोजिंग ब्रैकेट. राइट. सो ये हम जैसे सेट में यूज करते हैं. सो यहाँ पे हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज अ की एंड वैल्यूज. सो हमें यहाँ पे की लिखनी है, ये मेरी हो जाती है की. राइट. जैसे ये स्ट्रिंग है बिकॉज ये नेम है. राइट. सो ये नेम मेरा स्ट्रिंग हो गया और यहाँ पे जो मेरी है ये वाली, सो ये सारी मेरी हो जाती है वैल्यूज. राइट. सो टेक्निकली नेम जो मेरी की है उस पे वैल्यू मेरी स्टोर है जॉन. एज मेरी जो की है यहाँ पे वैल्यू मेरी स्टोर है 20. ग्रेड है जो मेरी की है सो यहाँ पे उसकी वैल्यू है A. राइट. सो इस तरह से आपकी की पेयर वैल्यू यहाँ पे एक साथ स्टोर होती है. राइट. जैसे मान लो अगर यहाँ पे अगर मुझे एम्प्टी सेट भी बनाना है विदाउट की पेयर, सो मैंने मान लिया x इक्वल टू लिख दिया. सो इस तरह से एम्प्टी सेट भी यहाँ पे बना सकता हूँ, बट अभी उसकी कोई सेंस नहीं है. अभी वी डोंट रिक्वायर दैट थिंग. अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देख लेते हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक. सो जैसे हमने डिस्कस किया कि ये हमारा की पेयर वैल्यूज है. सो यहाँ पे जो हमारी की होती है दैट विल बी स्पेसिफिकली एसोसिएटेड विद द वैल्यू. राइट. जो हमने प्रीवियसली यहाँ पे देखा. और यहाँ पे एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि जो भी कीज होगी यहाँ पे इन द डिक्शनरी दैट विल बी द यूनिक वैल्यूज. मतलब यहाँ पे ये मेरी कीज है सो ये मेरी यहाँ पे, अब समझिए कि यहाँ पे मैं नेम लिख के यहाँ पे इस तरह से मान लो कोई एक्स यहाँ पे दे देता हूँ नाम. राइट. सो इस तरह से यहाँ पे नहीं होगा, मतलब स्पेसिफिक की के लिए स्पेसिफिक वैल्यू है. अगर यहाँ पे इस तरह से हम करेंगे सो व्हाट विल गेट, सो वी कैन चेक व्हाइल रनिंग द कोड. राइट. सो टेक्निकली अभी थियोरेटिकल ये है कि यहाँ पे कीज जो है आपकी वो यूनिक होती है. मतलब यही चीज़ है कि दो की सेम वैल्यू नहीं हो सकती. जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे नेम जॉन. राइट. ये पहली की है. अब यहाँ पे मैं वापस दूसरी की बना रहा हूँ मान लो नेम करके, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसकी वैल्यू जो. राइट. सो इस तरह से ये चीज़ पॉसिबल नहीं है. सो इस तरह से आपको यूनिकनेस इसकी मेंटेन करनी है और प्रोग्रामिंग विल द मेंटेन. ऑन ऑर्डर है सो यहाँ अभी तक हमने ये चीज़ देख ही ली है कि ऑर्डर क्या होता है एंड अनऑर्डर्ड क्या होता है यहाँ पे. राइट. सो डिक्शनरी जो है वो आपकी अनऑर्डर्ड है, मतलब की वैल्यू पेयर आपकी स्टोर है वो नॉट गारंटेड है. डोंट नो व्हाई हाउ दैट वर्क्स एट द बैक एंड लेवल. दूसरा जो आपका निकल के आता है दैट इज अ म्यूटेबल. सो यहाँ पे डिक्शनरीज जो है वो आपकी म्यूटेबल है. मतलब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि म्यूटेशन अगर पॉसिबल है सो उस पर आप ऐड मॉडिफाई रिमूव ये सारी चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं. राइट. जैसे मान लो कि कोरोना था. राइट. सो बार बार मैं वही एग्जांपल लेता हूँ सो आपको याद रह जाए कि कोरोना था उसमें जीन म्यूटेशन पॉसिबल थी, इसके लिए उसकी वजह से आपके अलग अलग वेरियंट्स आते गए. राइट. सो आप उसको असोसिएट यहाँ पर कर सकते हैं कि यहाँ पर आप ऐड मॉडिफाई रिमूव ये सारी चीज़ कर सकते हैं.
डायनेमिकली साइजिंग मतलब क्या कि जैसे आप एक बार बनने के बाद उसको ग्रो भी कर सकते हैं, श्रिंक भी कर सकते हैं, राइट। सो ये चीज़ भी हम चेक कर लेंगे, और जिस हिसाब से हम डिक्शनरी को मैनेज करते हैं सो ऑटोमेटिकली उसकी मेमोरी लोकेशन भी, बिकॉज टेक्निकली आप समझिए कि जो भी हमारी की एंड वैल्यूज़ की पैर है सो वो भी आपकी स्टोरेज में कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑक्यूपाई कर रही है, राइट। जैसे इंटीजर होता है तो उसकी कुछ स्पेस यहाँ पे मेमोरी में होती है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, सो इस हिसाब से अब यहाँ पे की भी है, वैल्यू भी है, सो ऑफकोर्स यहाँ पे स्टोरेज में भी ये चीज़ स्टोर होगी, राइट। सो जैसे जैसे मान लो कि हम ग्रो करते जाते हैं, राइट, सो यहाँ पे मेमोरी स्पेस उस हिसाब से मैनेज होगी, जिस हिसाब से हमें स्पेसिंग चाहिए उस हिसाब से स्पेस भी यहाँ पे बढ़ेगी। अगर मान लो कि यहाँ पे ये श्रिंक हो रहा है, ये आपका ग्रो हो रहा है, ये की पेयर वैल्यू पे है, ये आपके स्टोरेज में है, अगर ये मेरा श्रिंक हो रहा है, राइट, सो मेमोरी लोकेशन उस हिसाब से यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी, राइट। सो यहाँ पे भी मेमोरी लोकेशन जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इस हिसाब से ग्रो और श्रिंक जो है वो दोनों चीज़ यहाँ पे मेमोरी लोकेशन ऑटोमेटिकली मैनेज होती है। दिस इज़ द मेन पॉइंट कि यहाँ पे हमें मैनुअल जाके यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज पे कुछ करना नहीं है, सीधा यहाँ पे हो जाता है। की मस्ट बी इम्यूटेबल, राइट। सो डिक्शनरी की मस्ट बी इम्यूटेबल डेटा टाइप, जैसे ये आपका स्ट्रिंग, नंबर, टपल, ये सारी चीज हो गई। यहाँ पे देखिए ये जो है की, राइट, और ये आपकी है वैल्यू। सो ये पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि की जो आपकी है वो इम्यूटेबल होगी, राइट, और यहाँ पे जो एंटायरली की पेयर वैल्यू जो है वो आपका म्यूटेबल होगा, राइट। सो यही चीज़ हम प्रोग्राम रन करेंगे सो चेक कर लेंगे। वैल्यूज कैन बी म्यूटेबल, राइट, जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे दो कंसेप्ट है, की का भी है एंड वैल्यू का भी है। सो मेरी जो की है वो मेरी इम्यूटेबल है, यहाँ पे ये चीज़ चेंज नहीं हो सकती, राइट, मतलब मॉडिफिकेशन, ऐड, मॉडिफाई, ये सारी चीज़ यहाँ पे टेक्निकली ये नहीं करने दे रहा है। और जैसे वैल्यू है तो ये मेरा म्यूटेबल है, राइट। सो यहाँ पे ये मुझे उसकी वैल्यू और ये सारी चीज़ को चेंज करने दे रहा है, राइट। सो टेक्निकलिटी यही चीज़ है कि ये आपका फिक्स हो गया और ये आपका डायनेमिकली चेंज हो सकता है, दैट इज़ वाई द वैल्यू कैन बी द म्यूटेबल। फास्ट लुकअप, अगर जिसको डेटा स्ट्रक्चर पता है सो यहाँ पे लुकअप, सर्च, ये सारी चीज़ भी यहाँ पे होती है, और जिसमें टेक्निकली उसका एवरेज टाइम है दैट इज़ अ ऑर्डर ऑफ वन, बट यहाँ पे हम उसको डीप में नहीं जाएंगे, बट अदरवाइज द वीडियो विल बी मच मोर लॉन्गर। यहाँ पे जो है वो डुप्लीकेट्स की यहाँ पे नहीं अलाउ करता है, इच की मस्ट बी यूनिक, राइट। या तो फिर ये कर सकेंगे कि हम एक बार ये करेंगे, वापस वही की को ट्राई करेंगे, सो लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ एरर वी आर गेटिंग, और या तो फिर वो पिछली की जो है उस चीज़ को ओवरराइड कर रहा है या हमें एरर दे रहा है, राइट। सो वी विल जस्ट चेक व्हाइल डूइंग द प्रोग्रामिंग, दैट इज़ व्हाई यू शुड बी फॉलोइंग द प्रैक्टिकल एंड रियल टाइम अप्रोच, कि जैसे थियोरेटिकल में मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पे मान लो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, बट वेन एवर वी आर जस्ट डीलिंग विद द प्रोग्रामिंग एंड मशीन, सो वहाँ पे जो एग्जैक्टली आपका आउटपुट आ रहा है विल गो विद दैट थिंग। इटरेबली मतलब इटरेशन यहाँ पे पॉसिबल है थ्रू द कंसेप्ट ऑफ द लूप्स, राइट। सो किस तरह से हम की और वैल्यू को लेके यहाँ पे फॉर लूप वगैरह जो है, व्हाइल लूप्स है, राइट। सो विल जस्ट चेक कि ये चीज़ यहाँ पे इटरेशन पॉसिबल है कि नहीं है। सो बिल्ट इन मैथड है, हैशिंग हमने देख ही लिया है, और मेमोरी ओवरहेड इसलिए है बिकॉज जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि इंटीजर है, सो उसके लिए आपको टेक्निकली जो भी उसके बाइट्स यहाँ पे लग रहे हैं वही चीज़ उसको स्टोर कर रहा है। सेट्स है, सो सेट ऑफ एलिमेंट मान लो मैंने लिया 5, सो उसको वही चीज़ को मैनेज करना है एट द स्टोरेज लेवल। बट यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि मेमोरी ओवरहेड है बिकॉज यहाँ पे स्टोरेज ऑफ द की वैल्यू पेयर एंड द हैश टेबल डेटा स्ट्रक्चर इज रिक्वायर, राइट। मतलब ये पूरा चीज़ यहाँ पे मेमोरी में यहाँ पे स्टोर करना होता है, मैनेज करना होता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द मेमोरी ओवरहेड। मतलब
मेमोरी में मैनेजमेंट उस चीज़ का बढ़ जाता है, राइट। टेक्निकली रीड राइट का भी बढ़ जाता है और उसको स्टोर करके मैनेज का भी यहाँ पे चीज़ें बढ़ जाती है। नेक्स्ट दैट इज़ द क्रिएट लेवल। सो क्रिएट में हमने बोल देख लिया कि इस तरह से वेरिएबल देना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ये मेरी की वैल्यू, ये वाला मेरा पूरा पोर्शन हो गया की, और उसके सामने उसकी एसोसिएटेड ये हो गई मेरी वैल्यूज, राइट। और ये अगर टेक्निकली इस तरह से कुछ हम छोड़ देते हैं, सो दैट विल बी कंसिडर एज अ एम्प्टी डिक्शनरी। एक्सेस, सो अब ये तो हो गया मेरा क्रिएशन पार्ट। अब वो चीज़ मतलब क्या कि जब भी हम क्रिएट करते हैं, सो टेक्निकली वी आर स्टोरिंग समवेयर इन अवर सेकेंडरी स्टोरेज, राइट। मतलब यहाँ पे फाइल पे हम यहाँ पे कोड करते हैं, फाइल सेव करते हैं, सो उस हिसाब से उसकी ऑक्यूपेंसी मेमोरी पे यहाँ पे बनती है। नाउ अनदर लेवल दैट इज़ एक्सेस, कि जहाँ पे हम उस चीज़ को रीड करने का ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये राइट कर रहे हैं और यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, मतलब ये हमारा एक्सेस हो रहा है। अब यहाँ पे एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, सो टेक्निकली आप सोचिए। सो यहाँ पे हमारे पास वही कंसेप्ट है वापस, कि ये की है और ये मेरा उसका वैल्यू है। सो वेन एवर वी रिक्वायर टू हैव द एक्सेस यूजिंग द की, राइट, मतलब अगर मुझे इस चीज़ से एक्सेस करना है, सो सिंपल विल टेक नेम इक्वल टू जो हमारा वेरिएबल लिया है वो, और एज अ पैरामीटर में पास करेंगे उस चीज़ की, राइट। यहाँ पे हम x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यहाँ y लिख सकते हैं कि नहीं, विल दस चेक वाइल डूइंग द प्रोग्रामिंग। सो इस तरह से हम एक्सेस करेंगे यूजिंग द की, कि यहाँ पे जो भी हमने वेरिएबल लिया है दैट इज द डिक्शनरी, और यहाँ पास करेंगे उसकी की वैल्यू, यहाँ पे जो की है वो उसको सीधा हम यहाँ पे पास कर देंगे। सो ये मेरा बन जाता है कि एक्सेस हम कर रहे हैं यूजिंग द की। और अगर मुझे यहाँ पे वैल्यू से एक्सेस करना है, सो गेट मेथड से भी हम यहाँ पे उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, गेट मेरा इनबिल्ट होगा यहाँ पे, राइट। डिक्शनरी डॉट इनबिल्ट मेथड, जैसे हम लिस्ट में करते थे लिस्ट डॉट अपेंड, राइट, यही चीज़ करते थे हम टप्पल डॉट, क्या हम अपेंड कर सकते हैं, जस्ट प्रीवियसली चेक द वीडियो, अगर नहीं चेक किया सो चेक इट, कि क्या हम टप्पल के साथ अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो ये चीज़ चेक कीजिए। इस तरह से हम चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द की एज वेल एज द वैल्यू। अगर अपडेट करना है, सो जैसे हमने देख लिया कि ये मेरा इम्यूटेबल है, मतलब की वाला पोर्शन यहाँ पे हम मॉडिफाई चेंज अपडेट नहीं कर सकते, बट वैल्यू जो मेरा है, सो वो चीज़ मेरा म्यूटेबल है, राइट, वी हैव जस्ट रिसेंटली सीन। सो इसके लिए हम सीधी उसकी वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं विथ रेफरेंस टू द की, राइट। सो इसलिए मैंने यहाँ पे डिक्शनरी और ये पोजीशन पे ये की के लिए मुझे वैल्यू अपडेट करनी है, दैट इज़ व्हाई आई हैव जस्ट रिटन 21। सो टेक्निकली अब की पेयर वैल्यू जो नई बन जाएगी दैट विल बी द एज, और यहाँ पे मेरा अपडेटेड वैल्यू होगी 21, राइट। सो वैल्यू जो है वो म्यूटेशन यहाँ पे पॉसिबल है। सो टिल नाउ वी हैव जस्ट ट्राई टू कवर्ड द डिक्शनरी, व्हाट इज डिक्शनरी, उसके कैरेक्टरिस्टिक है क्या क्या चीज़ है, राइट। आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे वापस समझिए चीज़ें क्या चीज़ है, देन जस्ट ट्राई टू कोरिलेट। अब यहाँ पे ऑर्डर अनऑर्डर पता होना चाहिए, म्यूटेबल इम्यूटेबल पता होना चाहिए, डायनेमिक साइजिंग एक आपका यहाँ पे नया कंसेप्ट है, बिकॉज प्रीवियसली सारे एलिमेंट्स वगैरह थे वो आपके फिक्स है, राइट। सो स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें मैनेज हो रही थी, मतलब ज़्यादा कुछ यहाँ पे ओवरहेड नहीं था। सो यही सारी चीज़ें हैं, मेमोरी ओवरहेड जैसे मैंने बोला बढ़ जाता है, हैशिंग का एक कंसेप्ट आपका नया है, राइट, बट ग्रेजुअली जो जो पॉइंट्स आपको रिमेंबर हो रहे हैं ट्राई टू जस्ट रिकॉल, और जो चीज़ नहीं हो रही उसको ट्राई कीजिए वापस समझने का। एंड वॉट यू कैन डू ऑल्सो, यू कैन जस्ट pause the video and you can just make the notes after all, and
इफ यू हैव एनीथिंग टू से, और जैसे मैं बताता हूँ अगर आपको कुछ है डाउट वगैरह, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. राइट, वीडियो बहुत थोड़ी लंबी हो जाती है, आई अंडरस्टैंड, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कवर अप कि पूरा आपका कंसेप्ट एक ही वीडियो में आ जाए, थियोरेटिकल कंसेप्ट आपका आ जाए क्या चीज़ है, एंड एग्जाम्पल भी आपका आ जाए. सो सेम चीज़ के लिए आपकी वीडियो जो है 4 से 5 ना बने. राइट, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड स्टे कनेक्टेड.